मेंसुरेशन फॉर्मूले, ठीक है, मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर फिगर होता है, कैसा फिगर? रेगुलर। रेगुलर मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा होता है, जैसे कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जैसा बेस है, क्यूबॉइड में जैसा बेस है, टॉप भी वैसे ही होता है ना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा, उसको मैं रेगुलर फिगर बोल रहा हूँ। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। सिलेंडर में नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल, है ना। प्रिज्म, नीचे से लेकर ऊपर तक सेम होता है, ठीक। तो ये सबको मैं बोलता हूँ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का वॉल्यूम निकालने का मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए, बेसिक फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, प्रिज्म हो, सब में आप बड़े आसानी से फॉर्मूला निकाल लेंगे। बस इतना याद रखना, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फिगर कोई भी हो, मैंने अभी सिलेंडर बना दिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब ये जो दो बेसिक फॉर्मूले मैंने बताया है आपको, ये हम लोग जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो एक एक करके उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूबॉइड। आपको मालूम है क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? सिक्स। वर्टिसेस कितने होते हैं? एट। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये कॉर्नर्स को, है ना। चार कॉर्नर ऊपर, चार नीचे, टोटल एट वर्टेक्स। और एजेस कितनी होती हैं? 12 एजेस ना, ये जो है इसको बोलते हैं एज। दो दीवार जहां पर मिलेगी उसको बोलते हैं एज। तो चार आपकी लेंथ हो गई, फोर ब्रेथ हो गई और फोर हाइट हो गई, तो टोटल कितने एजेस हो गए? 12 एजेस। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और मैंने जो बेसिक फॉर्मूला बोला था उस तरीके से देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है इसका? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा वर्क करता है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट। ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पहले से आपको लर्न है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आएंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आपको मालूम है कि क्यूबॉइड को अगर हम लोग काट के खोल देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें चाहिए ओनली लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस मतलब जो खड़ा हुआ सरफेस है, इरेक्टेड पोर्शन, जैसे कि फोर वॉल्स। ये उसकी चार दीवारें हैं, फोर वॉल्स, यही चाहिए। ऊपर और नीचे का फेस नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इरेक्टेड नहीं है, है ना। प्लेन सरफेस नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, इरेक्टेड। तो हम क्या बोल रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी अक्सर कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है। तो जब भी बोलेगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स फाइंड करना, तो आप क्या फाइंड करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको दो तरीके से समझें। एक हम लोग समझेंगे बेसिक फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? बेस क्या है? रेक्टेंगल। पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ। सॉरी, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। याद है ना, अपन पढ़ चुके हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये उसका होता है पेरिमीटर। इनटू हाइट कर दीजिए, इनटू हाइट कर दीजिए, ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला।
खुद ही बना लेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ बेस ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट कर दीजिए बस, ठीक है। और अदरवाइज अदरवाइज हम लोग इस फिगर से मान लो निकालें तो ये पहली जो दीवार है फिफ्थ नंबर की है ना, वन और टू तो चाहिए ही नहीं, टॉप और बॉटम चाहिए नहीं, ये क्या है लेंथ इनटू हाइट। कितनी है ऐसी दीवार, दो दीवार है तो ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट, और दूसरी क्या है ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट भी दो दीवार है। आपने देखा टू इनटू हाइट को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। पहली वॉल क्या है लेंथ इनटू हाइट, ये भी क्या है लेंथ इनटू हाइट, तो टू टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। ये वाली दीवार क्या है ब्रेथ इनटू हाइट, और ये भी ब्रेथ इनटू हाइट, तो टू टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट, तो टू भी कॉमन था और एच भी कॉमन था, तो मैंने टू के साथ में एच को भी कॉमन ले लिया, क्या बन गया ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। देखिए वही फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे भी वही है ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, टू एच को कॉमन ले लेंगे ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले से आप बहुत इजीली निकाल लेंगे, लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तब मुझे सब चाहिए, टॉप और बॉटम भी चाहिए और फोर वॉल्स भी चाहिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल ट्वाइस, मैंने लेंथ को क्या बोल दिया ए, ब्रेथ को बोल दिया बी, हाइट को बोल दिया सी, तो याद करने में और लिखने में इजी हो जाता है। क्या लिखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल ट्वाइस, ये क्या है ए बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है ए बी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो टू वॉल हो गई ए बी वाली, टू बॉल हो गई बी सी वाली, टू बॉल हो गई ए सी वाली, तो टू ओवरऑल कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल ट्वाइस, और नहीं तो लेंथ ब्रेथ हाइट में बोलोगे तो इस तरीके से बोलना पड़ेगा, लेकिन ट्वाइस एल बी एल एच बी एच बोलने से इजी पड़ता है कि आप बोलें ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, इस रूम का डायगोनल, इस रूम का डायगोनल कहाँ होगा, वो नीचे पॉइंट से उस सामने ऑपोजिट पॉइंट का लेंथ, ये है डायगोनल ऑफ द रूम। अब डायगोनल ऑफ द रूम कैसे निकालेंगे, देखिए ये फिगर ध्यान से देखना, मैं अभी नीचे वाले जो फ्लोर है ना, फ्लोर के मैंने जो अभी जो क्रॉस क्रॉस किया दिख रहा ना सबको, ये एक ट्राइंगल बन रहा ना डी सी जी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है डी सी जी, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये राइट ट्राइंगल है ना, तो ये राइट ट्राइंगल है, बेस है ना, फ्लोर थ्री डी में है तो इस तरीके से दिख रहा है, ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में ये समझ लीजिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम याद है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर इज लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायगोनल हो जाएगा होल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या निकल गया ये डायगोनल ऑफ द फ्लोर, डायगोनल ऑफ द फ्लोर ये है स्मॉल डी, कितना होल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इतना क्लियर है सबको। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए डायगोनल ऑफ द रूम, मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ए डी जी, ये समझ रहे हैं ना, मैंने यहाँ शेड किया ऐसा वाला लाइट कलर से ए डी जी, अलग से बना लेता हूं, अलग से बना लेता हूं ए डी जी, ये जो अभी डी जी बनाया था हमने ये क्या था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है डायगोनल ऑफ द रूम और ये क्या है हाइट, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देना इसमें, तो डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है अंडर रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर हट जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो डी हो जाएगा होल अंडर रूट। आप इजिली ऐसे कर लें डायगोनल ऑफ द रूट, रूम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अंडर रूट,
diagonal of a cuboid, whole under root a square plus b square plus c square. Diagonal of a square, whole under root a square plus b square, length square by h square. Diagonal of a rectangle, किसी रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, होल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन अगर डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड चाहिए, होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. ये क्या है, क्यूब है. क्यूब के फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं क्यूब के फॉर्मूले. बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने बोला था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो आपको मालूम है कि क्यूब का जो बेस होता है वो तो स्क्वायर होता है. क्यूब का जो बेस है, ये देखिए, ये तो स्क्वायर है, इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, है ना. एरिया ऑफ बेस हो गया इनटू हाइट, उसकी हाइट भी होती है, तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब. और वैसे भी आपको पहले से याद है, छोटी क्लासेस से पढ़ चुके थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब. अब दो टाइप के एरिया की बात करने जा रहे हैं हम लोग. एक है लेटरल सरफेस एरिया. मैंने आपको बोला ही था लेटरल सरफेस एरिया मतलब फोर वॉल्स. आपको मालूम है हर एक दीवार जो है वो स्क्वायर है, हर वॉल जो है एक स्क्वायर है जिसका एरिया होगा साइड स्क्वायर. और लेटरल सरफेस एरिया मतलब फोर वॉल्स, फोर इंटू साइड स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया मतलब सिक्स वॉल्स, ऊपर और नीचे का भी काउंट कर लो तो सिक्स स्क्वायर, सिक्स इंटू साइड स्क्वायर. लेटरल मतलब फोर वॉल्स, फोर इंटू साइड स्क्वायर. टोटल मतलब ऊपर और नीचे भी गिन लोगे तो सिक्स फेसेस, हर फेस एक स्क्वायर है, सिक्स इंटू साइड स्क्वायर. ये हो गया आपका क्यूब के फॉर्मूले, ठीक है. अब डायगोनल की बात करें क्यूब का, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता मालूम है, साइड इंटू रूट थ्री. डायगोनल ऑफ अ क्यूब साइड इंटू रूट थ्री. डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड इंटू रूट टू, याद रखना आगे के लिए. स्क्वायर का डायगोनल साइड इंटू रूट टू, क्यूब का डायगोनल साइड इंटू रूट थ्री. कैसे आया वो मैं बता दे रहा हूं. अभी हम लोग ने क्यूबॉइड का फॉर्मूला किया था, डायगोनल होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और आपको पता है कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है. क्यूब वो होता है जिसके सारे साइड इक्वल हो, तो ये भी ए स्क्वायर, ये साइड भी, लेंथ और ब्रेथ सब, हाइट सब बराबर है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है. तो ये क्या हो गया, होल अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा. थ्री का पैर नहीं है तो थ्री रूट में आएगा. तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू रूट थ्री, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, सिलेंडर, ठीक है. बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, बेसिक फॉर्मूला मैंने बोला था वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. इसका बेस क्या है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. ये देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आ गया. आप अगर इसको बाय हार्ट लर्न कर लें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो हमेशा ना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस क्या है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. देखिए एरिया का फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम का. अब इसी का लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं. और क्योंकि ये जो सरफेस है ये कर्व होता है सिलेंडर में, है ना, वॉल में सीधी सीधी दीवार होती है, सिलेंडर की वॉल्स तो कर्व होती है, तो इसको हम लोग सी एस ए भी बोलते हैं, एल एस ए भी बोलते हैं. कोई कंफ्यूज नहीं होना. सी एस ए मतलब कर्व सर्फेस एरिया. बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. आपको मालूम है कि सर्कल का जो बेस है वो कैसा होता है, सर्कल. सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल. उसका मुझे पेरीमीटर चाहिए. सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है, टू पाई आर इनटू हाइट, एच टू पाई आर एच. देखिए ये फॉर्मूला, ठीक है. अब आगे मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूं. देखिए ये एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, है ना, सिर्फ पेपर से बना हुआ है. अब मैंने यहां से क्या किया, यहां से मैंने कैंची से काट दिया और काट के इसको खोल दिया. तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ बेसिकली पहले क्या थी, इसकी सरकमफ्रेंस. तो लेंथ क्या थी,
लेंथ थी सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, ये लेंथ है 2πr, और ब्रेथ जो थी वो बेसिकली इसकी हाइट थी, तो ब्रेथ क्या थी इसकी हाइट। अगर मैं बोलूं इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, आप क्या बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, लेंथ है 2πr, और इसका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ की हाइट। तो देखिए फॉर्मूला वही हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ 2πrh। तो मैंने लेटरल सरफेस एरिया जो है या कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला मैंने एक तरीके और से पढ़ा दिया, बेसिक फॉर्मूले से भी करा दिया और कट करके जो बनता है सर्कल सिलेंडर से रेक्टेंगल उससे भी मैंने समझा दिया। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं सिलेंडर को यहां से काटता हूं, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे दो सर्कल भी तो है, ठीक है, ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूंगा, अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो लेटरल सरफेस एरिया के अलावा मुझे दो सर्कल चाहिए, एक ऊपर वाला और नीचे वाला ढक्कन कवर चाहिए ना। तो लेटरल सरफेस एरिया तो 2πrh होता है, और 2 इनटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपने नोटिस किया 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है तो क्या निकला, h प्लस आर। अब h प्लस आर बोले चाहे r प्लस h, प्लस में आगे पीछे चल सकता है, ये आपका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr r प्लस h। कैसे, लिटिल सरफेस एरिया प्लस टू सर्कल्स 2πr कॉमन आ गया, है ना। इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करके आपको बता दिया, समझ के फिर रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएगा। देखिए अब ये कहां पहुंच गए हम लोग, ये है हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर था इतना बड़ा, उसके अंदर से ये ऐसा इतने इस शेप का सिलेंडर हमने काट के निकाल दिया, तो ये बन गया हॉलो सिलेंडर, ठीक है। बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर काट के निकाल लिया तो रिजल्ट बना हॉलो सिलेंडर, अंदर से खोखला, ठीक है। तो अब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर वन स्क्वायर एच वन, और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर टू स्क्वायर एच टू। लेकिन दोनों का हाइट तो सेम है, तो हाइट को हाइट रहने देंगे। आपने देखा क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। बस ये याद रखना कि बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस कर दिया, पाई कॉमन, एच कॉमन, और आर स्क्वायर कॉमन नहीं है, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। आर वन मतलब बड़ा, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल माइनस द इंटरनल। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। जब भी निकालना ध्यान रखना कि बड़े वाले में से छोटा माइनस कर रहे हैं, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, पाई एच कॉमन, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। लेकिन अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया हॉलो में बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया बढ़ क्यों जाता है, बाहर भी एक सरफेस है टच करने के लिए और अंदर भी एक सरफेस है टच करने के लिए। तो अंदर का सरफेस एरिया प्लस बाहर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh, r1h, 2πr2h। आपने देखा 2πh कॉमन है ना, आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया किसका, हॉलो सिलेंडर का। बाहर का कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर का कर्व सरफेस एरिया कॉमन ले लिया, इजी बन गया। अब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो टोटल सरफेस एरिया में तो लेटरल सरफेस एरिया ऊपर जो निकाला वो लेंगे, लेकिन लेकिन आपने नोटिस किया रिंग आ रहा है, रिंग समझ रहे हैं, ये देखो ये रिंग है, ऊपर और नीचे आएगा रिंग, कितने रिंग, दो रिंग, ऊपर एक रिंग और नीचे एक रिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लेटरल सरफेस एरिया तो अब भी हमने निकाला ये 2πh r1 प्लस r2, उसके अलावा दो रिंग
रिंग मालूम है रिंग क्या होता है, बाहर के सर्कल में से अंदर सर्कल माइनस कर लो तो ये रिंग आ जाएगा। बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल, बाहर का सर्कल पाई आर वन स्क्वायर, अंदर सर्कल पाई आर टू स्क्वायर, पाई कॉमन आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। चाहिए तो लेटरल सरफेस एरिया अलग निकाल लिए, एरिया ऑफ रिंग अलग निकाल के फिर प्लस कर लो, ऐसा कर लेना ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, जैसा इजी लगे। हालांकि इसमें एक और बनता है आर वन माइनस आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर आपने देखा कि टू पाई कॉमन है, टू पाई कॉमन है, आर वन प्लस आर टू भी कॉमन है, तो टू पाई आर वन प्लस आर टू ओवरऑल कॉमन है। यहां बच रहा है एच और यहां बच रहा है क्या बच रहा है आर वन माइनस आर टू। तो एक बड़ा सा फॉर्मूला बन जाता है टू पाई आर वन प्लस आर टू एच प्लस आर वन माइनस आर टू। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। मैं सजेस्ट करूंगा लेटरल सरफेस एरिया अलग निकाल लो, एरिया ऑफ रिंग अलग निकाल लो। एरिया ऑफ रिंग कितना, टू से मल्टीप्लाई करके लेटरल सरफेस एरिया ऐड कर लेना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोन। मैंने लिया है सिलेंडर और कोन जिसमें दोनों का हाइट भी सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है। तो याद रखना सिलेंडर का फॉर्मूला तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कोन का जो सिलेंडर कोन का जो वॉल्यूम होता है आप देख रहे हैं वन टू थ्री, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वन थर्ड होता है ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, वन थर्ड, याद रखना ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का फॉर्मूला है वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला उसका वन थर्ड कर दीजिए तो कोन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर एक ध्यान से देखेंगे, ये रेडियस है दिख रहा ना आपको, ये रेडियस, ये हाइट दिख रहा ना आपको, ये है हाइट कोन का और इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। आपने नोटिस किया ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एच स्क्वायर और बेस क्या है आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। तो जब भी रेडियस और हाइट दिया है और एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे ठीक है। मुझे चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखना मुझे क्या चाहिए, लेटरल सरफेस। मैं एक यहाँ पर अलग से कोन बना रहा हूं, इस टाइप का कोन है कि नहीं है ठीक है। इस कोन का ये जो बाउंड्री है क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, अगर इस सर्कमफ्रेंस को मैं एल दूरी तक लेके चले जाऊं, इस सर्कमफ्रेंस को एल डिस्टेंस तक ले जाऊं तो ऐसा शेप बनेगा है ना। लेकिन हमारा कोन क्या है, हमारा कोन क्या है इस पूरे का आधा, हमारा कोन क्या है, हमारा कोन तो ये है ना, ये तो नहीं चाहिए हमको, इस पूरे का आधा। तो सर्कमफ्रेंस होता है टू पाई आर इंटू एल अपॉन टू, टू से टू कैंसिल पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया हाँ, ये फॉर्मूले जो हैं ऐसे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले नहीं है, ये हायर मैथमेटिक्स 11 12 के टॉपिक से डिराइव किया जाता है। बस एक बार आपको समझाने के लिए कि ये जो सर्कमफ्रेंस है एल डिस्टेंस तक कवर करोगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा है ना, ये 3D समझ लो हो जाएगा, लेकिन स्लांट वाला, उसका आधा करेंगे तो हमारा कोन आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस इनटू एल डिवाइडेड बाय 2 लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। भाई ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया प्लस नीचे का बेस भी तो चाहिए,
लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल अभी निकाला। बेस क्या है, सर्कल। बेस क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। आपने देखा पाई आर कॉमन है, दोनों में पाई आर कॉमन है, तो क्या बचा, एल प्लस आर। अब एल प्लस आर बोलो चाहे आर प्लस एल, एक ही बात है। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई आर आर प्लस एल। स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लर्न कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता मालूम है, ऐसा समझ लीजिए सर्कल का एरिया मालूम है आपको, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्कल है चारों तरफ से सर्कल है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही पॉइंट पर खत्म होता है। इसमें पूरा का पूरा जो एरिया है वो कर्व एरिया ही है, लेटरल बोलो चाहे कर्व बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं, जैसे सिलेंडर में फ्लैट होता था ना, ये लेटरल है ना, और ऊपर नीचे जो फ्लैट है, इसमें तो कोई फ्लैट है नहीं। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के फॉर्मूले, स्पीयर के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। स्पीयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हेमी स्पीयर। हेमी मतलब आधा, तो वॉल्यूम देख लीजिए। स्पीयर का वॉल्यूम हमने पढ़ा था 4/3, 4 का आधा 2, बाकी सब सेम 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। फॉर्मूला तो बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। स्पीयर का लर्न कर लिया तो हेमी स्पीयर, हेमी मतलब आधा, तो हमने आधा कर लिया, 4 का आधा 2। अब लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया हमने कितना पढ़ा था सिलेंडर का, स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आधा आधा, ये देखिए ये है ना। अब लेटरल बोलो कर्व बोलो, है ना, एक ही बात है, बार बार इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरे था 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी स्पीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मैं टोटल की बात करूंगा ना, तो ये एक नया एरिया आ गया। जब आप एक एप्पल को टच करते हैं तो ये पूरा टच करते हैं, लेकिन जब आप काटते हैं ना, इसके अलावा एक नया सरफेस ऊपर, एक सर्कल, एक नया सरफेस आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा, प्लस ये एक नया सरफेस आ गया, ये भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो लेटरल जो 2 पाई आर स्क्वायर था उसमें एक पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना हेमिस्फीयर में लेटरल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज और आता है, स्पेरिकल शेल, जैसे कि फुटबॉल अंदर से हॉलो है ना, अंदर से खोखली है, एयर भरी है अंदर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बाहर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर वन क्यूब, अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर टू क्यूब, बस इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल ऐसा समझ लीजिए, ये बॉल बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितनी रबड़ लगी, आपने नोटिस किया 4/3 पाई कॉमन, आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब, 4/3 पाई कॉमन है, आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब। बाहर के स्पीयर से अंदर का स्पीयर माइनस कर लिए, जैसे अपन ने सिलेंडर में किया था, बाहर का सिलेंडर माइनस अंदर का सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर बन गया था, ये भी हॉलो है, इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल शेल। ठीक है, लेटरल सरफेस तो आपको मालूम है, बाहर एक सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अंदर बाहर वाला सरफेस, और एक अंदर भी तो सरफेस है 4 पाई आर टू स्क्वायर, तो आपका सरफेस ऐड हो गया, 4 पाई कॉमन ले लो, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, और जो लेटरल सरफेस है वही टोटल सरफेस है, दोनों सेम है ना, इसके अलावा कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं इसमें। और अगर हम लोग हेमी स्पेरिकल शेल की बात करें, स्पेरिकल शेल नहीं उसका आधा, तो वॉल्यूम जो ऊपर हमने किया था 4/3 की जगह 2
टू बाई थ्री पाई आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब, ऊपर जो आपने फॉर्मूला किया था फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब, उसका आधा कर दीजिए, ठीक है। लिटरल फोर पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, उसका आधा कर दीजिए, लिटरल कितना हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, नीचे जगह है सर, लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा फोर का आधा टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो लेटरल भी चाहिए प्लस, देख रहे हो आप, लेटरल मतलब ये भी एक सरफेस है बाहर, ये भी एक सरफेस है अंदर, ये दोनों तो कर्व सरफेस में आ गया, ऊपर एक रिंग भी तो है ना, तो रिंग भी चाहिए प्लस एरिया ऑफ रिंग। टीएसए तो ऊपर हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला हमने टीएसए में, टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिंग क्या होता है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, बाहर का रेडियस माइनस अंदर का रेडियस। तो लास्ट के फॉर्मूले अगर आपको जरूरत है तभी पढ़ेंगे, है ना, हॉलो सिलेंडर और हॉलो स्फेरिकल शेल और हेमिस्फेरिकल शेल। देखिए लास्ट में अब मैंने पूरा समराइज कर दिया, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्यूबॉइड क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम, लेटरल ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, टोटल होल ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। होल क्या होता है वॉल्यूम 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3, लेटरल पाई आर एल, टोटल पाई आर आर प्लस एल, सिलेंडर लिटरल पेरिमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर इनटू एच, टोटल 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना। स्पीयर, स्पीयर का फॉर्मूला 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, लिटरल चारों तरफ से सर्कल है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल भी 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हमें स्पीयर करेंगे तो 4 का आधा 3 हो जाएगा, 2 बाई 3 पाई आर क्यूब, लेटरल सरफेस 2, टोटल सरफेस 3 पाई आर स्क्वायर। फिर अगर कभी किसी दूसरे हायर एग्जाम्स में प्रिज्म की बात चले तो प्रिज्म याद रखना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वही बेसिक फॉर्मूला जो समझाया था ना उसी फॉर्मूले से कर लेना। और प्रिज्म का क्या होगा मालूम है, 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वैसे ही जैसा हमने सिलेंडर से कोन निकाला था, सिलेंडर से कोन निकाले थे 1/3 ना, वैसी प्रिज्म से पिरामिड निकालेंगे 1/3 होता है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से काफी है आपके लिए।